मेरा नाम सतीश गराटे है और मैं मुंबई से हूँ और मैं पिछले कम से कम 10 साल से बॉलीवुड कोरियोग्राफी करता हूँ। नमस्कार, आवाज गई आज दुपारी जेवलात की नहीं हो की नहीं आली है मी विजया कशा आहात सगळ्या। मी अभिनेत्री आणि लावणी क्वीन अर्थात लावणी परफॉर्मर विजया कदम। मी खूप साऱ्या लावणी स्टेजला मी लावणी परफॉर्म करते, खूप साऱ्या चित्रपटांमध्ये परफॉर्म केलेली आहे लावणी सुद्धा किंवा पहिल्यापासून जे मराठी फिल्म्समध्ये लावणीचं जे प्रेझेंटेशन झालं आहे, एक सावकार बसलाय, बैठक चालली आहे, एक बाई नाचते आणि मग ती ड्रिंक्स सर्व करते किंवा त्या एकटी लेडी त्या लोकांसाठी एक प्रायव्हेट बैठक चालू आहे आणि मग ते जस्ट काइंड ऑफ एक म्हणतात ना बोलू नये पण असं ते जस्ट लाईक अ प्रॉस्टिट्यूशन असं एक थोडंसं ते इमेज थोडंसं तयार झालेलं आहे थोडं नाही बऱ्यापैकी। मूवीजमध्ये आता सध्या खूप काम नाही आहे मला काय कोणालाच असं खूप नाही खूप खूप टफ लेवलला कॉम्पिटिशन आहे। पण ज्या वेळेला मी सुरुवात केली ना कामाची तर त्यावेळेला एक होतं की खूप काम होतं सगळ्यांना पण आता कसं झालं आहे डे टू डे म्हणजे इतकं सगळं बदललं आहे डान्सचीच्या स्टाईलपासून त्या इव्हेंट्सपर्यंत वगैरे म्हणजे खूप सारे चेंजेस झालेत त्यासाठीसुद्धा एक आपला स्ट्रगल सुरू होतो आणि कितपत काम मिळेल नाही मिळेल असा एक विषय असतो त्यामुळे मी काय असं खूप हट्ट नाही धरून बसली आहे की मला मूवी मिळालीच पाहिजे आणि मग मी ते केलंच पाहिजे कारण बेसिकली ना माझी सुरुवात स्टेजपासूनच झाली मला ते लाईव्ह जगायला ते खूप आवडतं। कोरोना की वजह से थोड़ा सा मार्केट में काम स्टक हो गया था काफ़ी बॉलीवुड कोरियोग्राफर्स का काम है नहीं है बट स्टिल ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा सा मार्केट स्टक हो गया था अभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डांस एकेडमी चालू की थी तो थोड़ा रनअप के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हेलो दो मिनट बात कर सकता हूँ मैं दो मिनट जय महाराष्ट्र कैसे आप एक्सक्यूज मैम दो मिनट बात कर सकता हूँ कुछ हेलो ये मैंने डांस एकेडमी चालू किया लोखंडवाला साइड में आप लगा सकते हो तो लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर नहीं लगा सकते हो तो कोई इश्यू नहीं संडे टू संडे फ्री वर्कशॉप रहता है उसका कोई चार्जेस नहीं रहता हमें यहाँ फ्री वर्कशॉप के दिन है ना कुछ नई चीज़ें सीखने मिलेगी बहुत ज़्यादा चीज़ें और जो फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं हम लोग ये इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग बड़े जो कोरियोग्राफर है उनको लेके हम लोग कर रहे हैं और फीमेल्स के लिए जुम्बा वगैरह है अगर कोई रहेगा तो आप भेज दो जिनको भी अगर करना रहेगा कुछ तो इकड़े या कॉन्टैक्ट है आने एड्रेस है इकड़े चालू केला इकड़े टाइमिंग 4 से 7 है टाइमिंग ऊपर लिखा है 4 से 7 का वर्कशॉप है। हाँ हाँ इफ़ यू डोंट माइंड नंबर शेयर कर सकते इफ़ यू डोंट माइंड हाँ हाँ माधुरी मैम सतीश बोल रहा हूँ मैं मैम वर्कशॉप था 4 बजे का हाँ 5 बजने आए ना आप आए नहीं थे इसलिए कॉल किया मैंने क्योंकि संडे टू संडे वर्कशॉप रहते हैं ना अपना ओके ओके मैम हेलो हाँ रूपाली हाँ आज वर्कशॉप था अपना 4 से 7 बजे का हाँ एक्चुअली 5 बजे ना तो आप आए नहीं इसलिए कॉल किया मैंने बोला एक बार कॉल करके देखता हूँ। आज वर्कशॉप का फर्स्ट डे था जो हम लोगों ने वर्कशॉप रखा था
ये फ्री वर्कशॉप था, वो वर्कशॉप में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने की थी, मार्केटिंग किया था, उसका एडवर्टाइजिंग, डोर टू डोर जो एक्टिविटी थी पैम्पलेट्स की वो की थी, और काफ़ी सारे मार्केट में घूमे थे, बट कोई आया ही नहीं। तो नेक्स्ट संडे ट्राई करते हैं कि ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले, आज कुछ नहीं मिला था, बट ट्राई करेंगे हम लोग, ट्राई कभी मतलब हारेंगे नहीं उस चीज़ के लिए। आमच्याकडे ते जनरली मुलींनी तेवढे डिसिजन स्वतःचे नाही घ्यायचे असा एक फार हे आहे। त्याचं रिझन काय की आपल्या समाजाची दहशत की आपण मुलगी आहेस आणि तू मोठी होऊन काही करू शकत नाहीस, किंवा जर ते एक फीडिंग आहे की जर तुम्हाला शिकायचं तर तुम्ही टीचर बना मॅक्स टू मॅक्स, ते एक चांगलं प्रोफेशन आहे, पण डान्स म्हणजे बापरे, मग तू स्टेजवर सगळ्यांसमोर नाचणार आणि मग सगळेजण तुला बघणार, मग कोणी टाळ्या वाजवणार, ठीक शिट्टी वाजवणार, मग कोणी काय बोललं वाईट बोललं तर मग ते आम्हाला आवडेल का वगैरे, अशा सगळ्या गोष्टी होत्या। त्यांचं असं म्हणणं होतं की एक तर तू करिअर स्वतः सिलेक्ट केलंयस, त्याचे काय जे काय परिणाम होतील ते तुझे तुला सफर करायचे आहेत, मग त्या गोष्टी मग जरा घरातून निघाल्या। मग त्याने मला डायरेक्ट सांगितलं होतं भावाने की तू येऊ नकोस म्हणून, तू यायचं नाही, ते पाऊल ठेवायचं नाही। हे माझे मिस्टर विकास कदम, आणि आता खरंच खूप छान वाटतंय, तुमच्यामुळे मला नवीन आयुष्य मिळालं, एक पुनर्जन्म मिळाला, तुम्हाला कसं वाटतंय? कसं वाटतंय कशाला? ऍक्च्युली ज्यावेळी 2017 नंतर म्हणजे आमची ओळख झाली चांगली, आणि त्याच्यानंतर 2019 आपलं लग्न झालं, 23 एप्रिल 2019, तोपर्यंत जाणवलं मला की हिची फॅमिलीला तेवढं सपोर्ट नाही करत आहे। तुम्हाला माझ्या काही गोष्टी शेअर करताना मला असं खूप छान सेफ फील होत होत, सगळं मस्त वाटत होत, बरं वाटलं त्यावेळी, पण असं वाटत होतं की कुठेतरी थोडस तुझं माइंड एकदम हे आहे, कंजेस्टेड आहे, डिप्रेशन मध्ये वाटलं ते। छोकरीने बहुत आदमी का दिल दुखाया, मुली निघावीत, नाव काढायसाठी, नाव घालवायसारखी नको ऐशी छोर, जीत बाय छोकरी आधी अभी आप जो बोलते हो लावणी, वो टाइम लावणी का करियर अच्छा नहीं येता, जो करना है वो करो, लेकिन अपना माँ बाप का नाम आपली काय पवी हे आहे ते बघून करायचं ना, जेव्हा नाही तुझ्या आम्ही ना विरोध करीत होतो, आम्ही इकडे बघत होतो तर नाही तिला पसंत, तिच्याच पसंतीनं सारखं। कुछ प्रॉब्लम्स है घर पे, मतलब जो बोल नहीं सकते, अभी फेस ऑफ करना पड़ेगा, अभी कोई बात नहीं। प्रोफेशन पसंद नहीं है, बट क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सैलरी का होता है ना कि मेरा बेटा इतना कमाना चाहिए, उतना कमाना चाहिए करके, और दूसरी चीज़ यही है कि काफ़ी सारे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, वो काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन मेरा जॉब पर्पज़ का नहीं, मेरा फंडा ऐसा है कि कुछ बिजनेस करूँ, डांसिंग में या फिर किसी और चीज़ में बिजनेस करूँ, क्योंकि जॉब इज़ नॉट लाइफ। ठीक है एक मतलब अर्निंग के लिए ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। छोटी राहुल का पप्पा रहता तो गुस्सा नहीं झगड़ा करता था पहला, खुद ही छोड़ा नौकरी, कुछ तो किया नहीं, जाया अभी इसका शादी हुआ, कुछ पैसा नहीं दिया, घर बना तो कुछ दिया नहीं, उसका पापा कितना करेगा, उनका उम्र 60-65 साल के हुए, अभी क्या करेंगे वो बोलो। आता तो मोठा झाला, मोठा आहे ना त्याच्यापेक्षा, आता त्याने घरची जबाबदारी सांभाळायला पाहिजे ना। मे बी इससे छोटी हूँ, लेकिन मैं काम पे जाती थी, मम्मी पप्पा को भी देती थी कभी कभार, तो उसको समझना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए, कुछ भी नहीं कमाए घर में, कुछ नहीं जाएगी, जाके खाएगे पिएगे सोएगे तो चलेगा, ये जिंदगी है कोई नहीं ना। पढ़ाई करके भी 2007 में 10वीं हो गया था, उसके बाद 15वीं होके वही कर रहे काम, तो अभी तक होना चाहिए था उसका, अभी रुको 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 करके अभी 31 साल हो गया उसको। मैं ऐसा नहीं बोलती, तू जो जिस लाइन में जा रहा है उसमें मत जाओ, तू कमा ले, मतलब अपना माँ बाप का संभाल ले, अपना घर पर बचा ले, यही मेरा है।
एक्ट्रेस लाउनी क्वीन इंटरनेशनल आर्टिस्ट प्रोड्यूसर कोरियोग्राफर सोशल वर्कर सो विजया कदम सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विजया कदम एंड गुरुविची विजया पालो प्लीज कम ऑन द स्टेज. ऍक्च्युली आज जागतिक महिला दिवस आहे आणि ज्या महिलांनी स्वतःचं करिअर सांभाळून सोशल ॲक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत ॲज युजल, तर अशा महिलांना नेहमीच कौतुक होत असतं समाजामध्ये, तर अशा महिलांचा सन्मानसुद्धा इथे झालेला आहे, तर त्या सन्मानित स्त्रियांमध्ये मी सुद्धा आहे. आणि सब ऐसे कुछ बोलिया भी रहे, ऐसे अनवांटेड सब सामान इसमें डाल के रखा है और एक्स्ट्रा मेला मैंने रुकी है. ऐक्चुअली जागा अजून तेवढी नाही आहे ना ठेवण्यासाठी, त्यामुळे मग असं मला ठेवावं लागतं आहे सगळं सध्या. हे थोडंसं असं झालं आहे, अरे निघालं सगळं मराठा महोत्सवाची हे असं तुटलं आहे थोडंसं. हम जा रहे हैं बुलढाणा, संगीत का इवेंट है और संगीत के इवेंट में मैं कोरियोग्राफी करने जा रहा हूँ. पूरा इवेंट उठाया तो अभी थोड़े से कुछ मैनेजमेंट चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड हुई है थोड़ी, मतलब जैसे कि अभी ट्रैवल का कंफर्म नहीं हुआ है हमारा. तीन कंफर्म हुआ है, पांच टिकट कंफर्म नहीं हुआ. एक उधर सीट है, चलो भाई यहाँ पे खड़ा हो, शो करके अच्छा लगा. आ जाएगा तू सतीश, आ जा तू क्यों. टेक्निकली रिहर्सल हो रही है अभी नॉर्मली, फिर देन उसके बाद शाम को टेक्निकली रिहर्सल होने के बाद डायरेक्ट प्रोग्राम चालू होगा उनका. डांसर्स बॉयज गर्ल्स बजने दे धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क क्या है ना, कुछ कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ती है, इंग्लिश हो जाता है तो मैनेज हो रहा है वहाँ पे, हल्का 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 मैनेज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं. होपफुली मतलब अच्छा हो रहा है.
एक खाली परफॉर्मेंस है, एक खाली खाना नहीं, नाश्ता कुछ ऐसे दे दो। समझ गया मैं, समझ गया। अरे स्टार्टर होगा ना कि तब तक, तब से बस ये आखिरी कर लो और फिर अब आपको खाना ही है प्लीज, क्योंकि अभी वो ग्रूमर ब्राइड की है सीन है ना, इंटरव्यू हम लोग जितना बोला गया था ना, हम लोग ने उससे भी ज्यादा की है, वो ज्यादा ही कर दिया। चल मैं बात करता हूं, वो बात कर, पांच से ऊपर हो गई, पांच से ऊपर है बजट की बात करते हैं, लोटेशन चलेगा ना बजट। आई यार वो बजट का बात, मैं भी इंसान हूं यार, इतना नचवाने का पागल है क्या? सात डांस हो गए उनके, आठवां डांस उनको फोर्सली करवाया, इंजरीज नहीं होगी, उसका कौन जिम्मेदार है? बजट बहुत हाई जा रहा है सर, इसमें हम लोग करते ही नहीं। मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि किसी को मैंने बात बोली कि मेरी जबान है। छोटे मोठे काही कार्यक्रम केले पण लिमिटेड क्राऊड आणि असं होतं, पण आता मी जो करणार आहे तो खूप मोठा, म्हणजे अगदी पहिल्यासारखं मोठा मॉब, खूप सारी लोकं, काहीतरी नवीन प्रेक्षकांना देता यावं म्हणून काहीतरी एक नवीन गाण्याची मी रिहर्सल करत होती आता। 5 6 7 गो। तो फायनली आज म्युझिक व्हिडिओ मिला आहे मुझे, तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन, 2 साल के लॉकडाउन के बाद मतलब चीज़ मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है वो, और काफ़ी सारा उसके पीछे काफ़ी सारी मैंने स्ट्रगल की है, और क्लिक क्लिक 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ, ये अच्छा लग रहा है। रिहर्सल चल रही है अभी, तो आई होप ये काम अच्छा जाए। ओहो बीट पे आया बराबर, थोड़ा सा मिस हो गया हल्का। अभी हम फिल्म सिटी जा रहे हैं शूट के लिए, 2 साल के बाद ये पहला शूट मिला है मुझे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, डांसर्स है और कॉस्ट्यूम्स जो भी है, ट्रैवलिंग है, सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत काफ़ी दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, हाँ सर, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अभी शूट के लिए, गोरेगांव सन सिटी। हाँ शूट था ना आज का सर, डांसर्स लोग भी सब आ गए। कैंसिल हो गया? हाँ रात को कैंसिल हो गया। सर ऐसे कैसे कैंसिल हो गया सर, अभी मैंने सबको बुलाया डांसर्स लोगों को, और रात को 3 बजे प्रॉपरली, अभी कौन से डांसर कहाँ पर गए, अभी 3 बजे रात को फ़ोन करोगे तो सर ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं सर ऐसा तो, अभी डांसर्स लोग सब सर ऐसा नहीं, नहीं सर रात को 3 बजे किसको, अभी सब डांसर्स लोग सोए उनको अभी, अच्छा सेटिंग वाले यहाँ पे आए थे अभी, सेटिंग वाले सब अभी जा रहे निकाल के बुरा, ऐसे थोड़ी होता है सर। हाँ वो हो गया, सबसे बात हो गया मेरा, सबसे हो गया, टेंशन मत ले सेटिंग का, वो मैं देख लेगा। चलो ठीक है, अभी क्या बोलूँगा,
गाइस शूट है ना अपना पोस्टपोन्ड हो गया या फिर कैंसिल हो गया भाई, गलत बात है ना, इतना शाम तो लेंगे। रात को 3 बजे प्रोड्यूसर ने मैसेज किया, कोई मैनेजर ने जो मैनेजर को कॉल किया रात को 3-4 बजे, उन्होंने मैसेज किया, बोल रहे कि आपको मैसेज में हम लोग ने रात को किया था, बोला बट हम लोग ने रिहर्सल भी किया, वही उनको बोला मैंने समझ रहा हूँ, गलत बात है ना भाई, ऐसा नहीं होता है भाई। अभी यहाँ पे लोकेशन पे बुला के कैंसिल करना, दूसरा कॉल छोड़ के इधर, मतलब क्या रिहर्सल भी किया, रिहर्सल का भी पे अलग से, और शूटिंग का तो हम लोग ने बोला ही था कि भाई शूटिंग होगा उस दिन हम लोग आ जाएंगे, अभी हाँ बोलने के बाद तुम लोग कैंसिल कर रहे हो। एक बार दोबारा बात करो तुम लोग के सामने, अरे बात कर ले, तुम करो ना, करके हमको बताओ, बात नहीं कर सकते। मी जिथे उभी आहे तर पॅन्डेमिक नंतर आता माझा हा खूप मोठा प्रोग्राम पहिलाच आहे, एक बल्ब मला आधी लावून, नाही नाही काम तो आलं ऐका ना, थोडंसं तुम्ही एरिया बघत असाल तर खूप असं रफ वगैरे थोडंसं वेगळा एक फील येत असेल, पण जेव्हा तुम्ही संध्याकाळी बघाल त्यावेळेचा माहोल एक खूप वेगळा आणि खूप प्लीजंट असेल, तो ॲटमॉस्फिअर तुम्ही नक्की बघा। बल्ब कधी लावताय आता? साईडला लागणार आहे का? नाही ते तर इझी जाईल ते। अरे ओके, नको 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 नको, बरंच आहे, पेनिंग भरपूर आहे बॉडीमध्ये, पाय खूप दुखत आहेत, हेवीनेस आहे बॉडीला, त्रास भरपूर होतोय, पण मी करणार। लावणी लावणी म्हटलं की शृंगार आला, आणि शृंगार म्हटलं की सगळेच आपले दागिने आले। टाइम टू परफॉर्म नाउ। सर्वांच्या विनंतीवरून विजया पालव लावणी नृत्य तुमच्यासाठी सादर करत आहे। एखादी व्यक्ती जन्मालाच एखाद्या गोष्टीसाठी येते तर ते नाचू नको, मग मी नक्की करू काय ना, दुसरं तर माझं फिल्म लाईनमध्ये यायचं होतं सगळ्यात महत्त्वाचं, मी लहानपणीच बोलायची, मोठी झाली ना की मी हिरोईन बनणार, असं माझं एक ड्रीम होतं स्वतःचं। अपना दिल्ली का रूटीन है यार, 9 से 12 बजे तक यहाँ पे बैठना पड़ता है, उसके बाद घर चले जाऊंगा 12 बजे के बाद जब सब लोग सोएंगे। कल बोल के आया था घर पे शूट है कल के, आज एल्बम का अच्छा खासा शूट मिला था, फिर कैंसिल हो गया। घर पे प्रेशर है बहुत है यार, फैमिली को भी हैंडल करना है, बट करना है कैसे भी करके।